हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्गो क्रैप ट्रेडिंग ट्यूटोरियल पर। और आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करते हैं। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स होंगे तो आपको उनमें ट्रेड करने के लिए उन्हें बार बार लॉग इन करना होता है और ट्रेड लगानी होती है। ऐसा करने में आपका बहुत सारा टाइम जाता है, तो आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक मैजिकल वेपन। मैं हूँ पायल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके फोरेक्स ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है। वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगी, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से हमें और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने एक अकाउंट में ट्रेड लगाया और वो आपके सभी लिंक्ड MT5 अकाउंट्स में कॉपी हो गया, वो भी एकदम एक्यूरेट, बिना किसी मैनुअल काम के, ना कोई टेक्निकल झंझट, सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग। जी हाँ, ये करना पॉसिबल ही नहीं बल्कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा, क्योंकि बार बार अलग अलग अकाउंट्स को ओपन करके ट्रेडिंग करने से ट्रेड्स में स्लिपेज आती है और कई बार आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ये सिर्फ एक ट्रेड कॉपियर नहीं बल्कि आपका सीक्रेट वेपन है जो आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को डबल स्पीड से ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप भी अपने ट्रेडिंग को स्मार्ट और एफर्टलेस बनाना चाहते हैं तो आइए समझते हैं कि इसे कैसे यूज किया जाता है और ये कैसे हमारे काम को आसान करके हमारा टाइम सेव करता है और दो या दो से अकाउंट्स को हम इजिली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी होती है और हम इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कॉपियर का सेटअप करने से पहले हमारे पास मल्टीपल MT5 के अकाउंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए ताकि हम मल्टीपल अकाउंट्स को लॉगिन कर सकें। आइए विस्तार से जानते हैं कि हमें क्या क्या लगेगा। अलग अलग MT5 के सेटअप, Node.js सर्वर सेटअप, इंस्टॉलेशन, मास्टर एंड स्लेव की फाइल्स, बस इतना ही है ना, बहुत ही अमेजिंग। जी हाँ, तो अगर आपके पास मल्टीपल MT5 के सेटअप नहीं है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उसका भी इलाज है। उसके लिए हम एक ही MT5 के सेटअप के मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और MT5 डाउनलोड ऐसा लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद मेटाकोड्स की वेबसाइट सर्च रिजल्ट में, वहाँ से हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी ब्राउज़र आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स फोल्डर में और जो MT5 डाउनलोड किया है उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन को कम्प्लीट कर लेंगे। ऐसा करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे MT5 का आइकॉन दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको क्लिक करके हम MT5 को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें दूसरा MT5 चाहिए होगा, क्योंकि ट्रेड कॉपी करने के लिए हमें एक से ज़्यादा MT5 की नीड होगी ना। तो उसके लिए हम दो तरीके से आगे जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि हम MT5 डाउनलोड सर्च करें और मेटाकोड के अलावा और किसी कंपनी का MT5 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाना होगा और वहाँ पर हमें MT5 का फोल्डर दिखेगा, हमें उस फोल्डर को कॉपी करना है और वहीं पर वापस से पेस्ट कर देना है। उसके बाद उस फोल्डर को आप रिनेम कर सकते हो। जिस फोल्डर को आपने रिनेम किया है उस फोल्डर को ओपन करने से वहाँ पर एक टर्मिनल डॉट एक्सटेंशन की फाइल दिखेगी। उस फाइल पे राइट क्लिक करके हमें डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने से डेस्कटॉप पे हमें अब MT5 के दो आइकन्स दिखने लगेंगे। सेकंड वाले आइकन को रिनेम करके हम उसमें कुछ और नाम लिख सकते हैं, जैसे MT5 2 या जो भी आपकी मर्जी हो। इस प्रोसेस को यूज़ करके आप जितने मर्जी इंस्टेंस बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। MT5 के इंस्टेंस बनाने के बाद हम उनको अपने डेमो या लाइव अकाउंट से लॉगिन करेंगे। क्योंकि हम ट्रायल कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डेमो अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उससे आपका लॉस नहीं होगा। सारे MT5 को आपस में लिंक करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे कॉपियर के सेटअप में अवेलेबल है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए हमें Node.js नाम के एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है।
उसको इंस्टॉल करने के लिए हम फिर से गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे जाके नोड जे एस इंस्टॉल लिखेंगे और रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे। उनकी वेबसाइट से हमें सेटअप फाइल डाउनलोड करके उसको रन करना होगा। अब हमारे पास MT5 के मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं और उनके कनेक्शन के लिए नोड जे एस प्रोग्राम भी है। अब हम कॉपियर की फाइल्स का सेटअप करेंगे। उसके लिए हम कॉपियर की जिप फाइल को डेस्कटॉप पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉपियर की सेटअप फाइल्स आखिर आपको मिलेंगी कहाँ से, तो उसके लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कॉल करके सेटअप फाइल्स की डिमांड कर सकते हैं। यही आप चाहें तो हम आपके मशीन पे सेटअप भी कर सकते हैं। जब हम कॉपियर की सेटअप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें दो फोल्डर दिखेंगे, एक मास्टर दूसरा स्लीव। हम एक अकाउंट को मास्टर बनाना होगा और मास्टर वो अकाउंट होगा जिसकी ट्रेड्स हमें दूसरे अकाउंट्स में प्लेस करनी है। तो लो, इस अकाउंट में हम मास्टर का फोल्डर पेस्ट करेंगे। हम उस MT5 के फाइल में जाएंगे, फिर ओपन डाटा फोल्डर में जाएंगे, वहाँ MQL5 का फोल्डर दिखेगा, उसमें जाएंगे। उसके बाद सबसे ऊपर ही एक्सपर्ट्स का फोल्डर होगा, उसमें जाके हमें मास्टर के फोल्डर को पेस्ट कर देना है। इसके बाद कुछ स्टेप्स और हैं जिनको हम साथ ही साथ निपटा लेते हैं। अभी जो हम करेंगे वो हमारे MT5 के हर एक अकाउंट में करना होगा। अलाउ DLL इम्पोर्ट, एनेबल ऑटो ट्रेडिंग। DLL को अलाउ करने के लिए हम MT5 के जाएंगे, वहाँ सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, उसमें जाके हमें एक्सपर्ट एडवाइज़र के टैब में जाके अलाउ DLL इम्पोर्ट के आगे टिक लगा देंगे। उसके ऊपर ही अलाउ एल्गो ट्रेडिंग का भी टैब होता है, वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, उससे एल्गो ट्रेडिंग एनेबल हो जाती है। इसके अलावा MT5 में बाहर भी टैब होता है एल्गो ट्रेडिंग अलाउ करने के लिए, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मास्टर का अकाउंट सेटअप हो गया है। अब हम स्लेव वाले फोल्डर को कॉपी करेंगे और हर एक अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। लोकेशन वही सेम रहेगी जो मास्टर के लिए यूज़ की थी, साथ ही साथ अलाउ DLL एंड ऑटो ट्रेडिंग वाला काम भी हम साथ ही साथ करते चलेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें एक फाइनल टच देना होगा और वो है हमारे सारे MT5 के अकाउंट्स को आपस में लिंक करना। इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए हमें उस अकाउंट में जाना है जिसको हमने मास्टर बनाया है। उस अकाउंट में जाने के बाद हमें एक्सपर्ट्स के टैब में जाके मास्टर के फोल्डर पे डबल क्लिक करना है। उसमें हमें नोड सर्वर का फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर एक .bat एक्सटेंशन की फाइल है, उसको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही हम उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, एक कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल खुलेगी और उसमें पूरी डिटेल्स लिखी दिखेंगी कि टोटल कितने अकाउंट आपस में कनेक्ट हो गए हैं, मीन्स टोटल कनेक्शन कितने हैं। तो जी लो, अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है और अब हम मास्टर अकाउंट में ट्रेड करके देख सकते हैं। जो ट्रेड हम मास्टर अकाउंट में करेंगे वो हमारे सारे कनेक्टेड अकाउंट्स में हो जाएगी। देखा कितना आसान प्रोसेस था। आशा करती हूँ कि इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं लाइव कॉपी ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।